हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल कमलेश की रसोई में। तो आज हम दोस्तों बनाने वाले हैं छुआरे और दूध की स्पेशल ड्रिंक जो शरीर को इम्यून करती है। चलिए शुरू करते हैं। छुआरे को पानी में भिगोने के लिए सबसे पहले बर्तन लिए हैं और बर्तन में ये इसी तरह के छुआरे लिए जो रात भर के भिगो के रखेंगे। चार पाँच ही भिगोएंगे, ज़्यादा नहीं। और ये पानी डाल देते हैं इसके अंदर। इसी तरह से रात भर के भिगो के रखेंगे इसको। ये हमारे छुआरे बिल्कुल फूल कर इस तरह से हो गए हैं। ये देखो बिल्कुल फूले फूले से। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं साइड का, तो इस तरह से काट लेते हैं। अब इस तरह से इसका चाकू से करके ये बीज तो निकाल देते हैं। इसी तरह से काट लेंगे। इसी तरह से सारे बीज निकाल दिए हैं। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े इस प्रकार से करके मिक्सी में पीसेंगे। इसी प्रकार से कर लेते हैं सारे। यदि एक साथ इसको छुआरों को काम में लोगे तो आप 5 से 6 छुआरे लो और ज़्यादा एक साथ करके पीस के रखो तो ज़्यादा ले सकते हो। इसमें बादाम भी डाल सकते हो आप, ये सर्दियों में बहुत अच्छे रहते हैं। ये सारे काट लिए हैं इसी तरह से। ये छुआरों को मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। अब हमें थोड़ा सा दूध डाल के पीसेंगे। ये सारा पीसी चुका है छुआरा हमारा। अब निकाल लेते हैं इसको। ये सारे छुआरे इसके अंदर मिक्सी के अंदर पीस लिए हैं। ये दूध लिया है। दूध की मलाई नहीं रखेंगे, मलाई को साइड में कर देंगे। और जितना दूध आप बनाओ उतना नाप के गिलास में डाल लो। तो मैं 3 गिलास बना रही हूँ। दूध बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ये मैं नाप के दे लिए 3 गिलास। अब हम गैस को ऑन कर देते हैं और इसको बिल्कुल गर्म कर लेते हैं। चम्मच की सहायता से हिला लेंगे इसको। गर्म हो रहा है धीरे धीरे, इसको गर्म होने देते हैं। थोड़ी सी एक उबाल आ जाए। इस तरह बच्चों को 5 या 7 दिन ये छुआरे डालकर 7 दिन तक बच्चों को पिला दोगे तो सर्दी जुकाम में आराम रहेगा। और छुआरे तो वैसे ही फायदेमंद होते हैं बच्चे बूढ़े सबके लिए। सर्दियों में ये दूध में मिला के इस प्रकार से पिलाइए। ये बिल्कुल उबल चुका है। अब हम इसके अंदर ये छुआरू का पेस्ट बनाया है, ये डाल देती हूँ इसके अंदर। ये डाल दिया है और इसी तरह से हिलाते रहेंगे इसको। अब हम ये इलायची डाल देते हैं इसके अंदर। हरी इलायची ली है। इसी तरह से हिलाते रहेंगे ताकि चिपके ना नीचे।
और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालते हैं। दूध में हल्दी डालकर बच्चों को पिलाओगे, बहुत अच्छी रहेगी हल्दी सर्दियों में। चोट या घाव लगने पर हल्दी वाला दूध पिया जाता है, पिलाया जाता है बच्चों को, सब बड़े बूढ़ों को, सबको। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है हल्दी भी। ज्यादा नहीं डालेंगे, बस हल्का सा कलर आ जाए। और ये दालचीनी डालेंगे एक टुकड़ा, ये भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। दूध हमारा अच्छी तरह से बन गया है, इसको ज्यादा नहीं घाटा करेंगे, बस इतना ही रखेंगे। अब हम गैस को बंद कर देते हैं, वो ये पीने लायक हो गया। आप चाहो तो गुड़ डालेंगे तो फट जाएगा, और ये छुआरे भी मीठे होते हैं, तो हमारे घर में हल्का फीका ही पीते हैं, तो मैं मिश्री वगैरह नहीं डाल रही। ये बिल्कुल पीने के लिए तैयार है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये दालचीनी के टुकड़े को साइड में निकाल देंगे, ये निकाल देते हैं। ये दूध हमारा पीने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखो बिल्कुल अच्छी तरह से बन के तैयार हुआ है। ये चोट लगने पर ये बहुत ज़्यादा गुणकारी है। इस प्रकार से आप बच्चों को या बड़ों को, घर में सभी सदस्य 7 दिन तक इस प्रकार से पियोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा सेहत के लिए। ये सर्दियों में छुआरे तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। ये हड्डियों के लिए भी फायदेमंद होता है और पेट के लिए भी लाभदायक होता है, और ये नींद में भी फायदेमंद होता है, डायबिटीज में भी फायदा करता है, और शुगर लेवल कंट्रोल करने में भी मदद करता है। दूध, छुआरे वाला दूध तो ये सब बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। छुआरे, नींद नहीं आती है तो भी छुआरे बहुत अच्छे रहते हैं खाने के लिए, और सर्दियों में बच्चे भी एक छुआरे खाने से अच्छा रहता है, छुआरे उसको खिलाने चाहिए। तो इसी तरह से सारे ये छुआरे सर्दियों में बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। इस प्रकार से आप दूध में ये भिगोकर इस प्रकार से दूध बनाकर पाइए, बहुत अच्छे रहते हैं दूध। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।